वेलकम बैक आज की इस वीडियो में हम जो है मशीन लर्निंग के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो को कुछ इस तरीके से फ्रेम किया है कि आपको मशीन लर्निंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इस एक वीडियो के अंदर जो है कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा इसको हमने की पॉइंट्स के अंदर डिवाइड किया है ताकि जो हमारे की पॉइंट्स है जो हमारे मेजर पॉइंट्स है मशीन लर्निंग की डेफिनेशन के वो हमें ईजिली रिमेंबर रहे ईजिली याद रहे और जब भी हम मशीन लर्निंग की बात करें तो हमें वो पॉइंट्स जो है इंस्टेंटली क्लिकआउट कर जाए तो पहला की पॉइंट आता है इसके अंदर हमारा सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो ये जो है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसेट है अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस ये दो कीवर्ड्स हैं इसके अंदर आर्टिफिशियल का मीनिंग होता है विच लुक्स लाइक ह्यूमन और विच बिहेव्स लाइक ह्यूमन जो कि ह्यूमंस की तरह दिखता हो और ह्यूमन्स की तरह बिहेव करता हो आप एग्जांपल इसका समझ सकते हैं रोबोट अब जो हमारा इंटेलिजेंस कीवर्ड है ये भी दो कीवर्ड से मिलके बना हुआ है नॉलेज प्लस स्किल नॉलेज का मीनिंग है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की किसी पर्टिकुलर टॉपिक का कंप्लीट नॉलेज होना कंप्लीट आइडिया होना और स्किल का मीनिंग है वो जो नॉलेज हमारे पास है उस पर्टिकुलर टॉपिक की उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की उस नॉलेज को इंप्लीमेंट करते हुए कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करना या फिर कुछ आउटकम निकालना तो ये जो है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मीनिंग है और इसका एक बहुत ही प्यारा और स्पेसिफिक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं रोबोट्स या फिर Humanoids. अब ये जो है हमारा मशीन लर्निंग से कैसे इंटर रिलेट करता है अब वो जो रोबोट्स या फिर ह्यूमनोइड कम्प्लीटली वर्क करते हैं उसके अंदर जो है कुछ पार्ट मशीन लर्निंग का यूज होता है और इसीलिए जो है हमारा मशीन लर्निंग जो है सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट जो भी है जो भी हम एलगोरिदम्स यूज करेंगे इसके अंदर या फिर मॉडल्स यूज़ करेंगे अब मशीन लर्निंग और मॉडल्स यूज़ क्यों करता है अब ये जो है मॉडल को इसलिए यूज करता है क्योंकि जो भी हमने हमारी मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स डेवलप की है या हम करेंगे थ्रू आउट द सीरीज वो जो है स्पेसिफिक डेटा सेट पे वर्क करती है यानी कि डेटा पे वर्क करती है और डेटा जहां पे भी आएगा स्टेटिस्टिक्स वहां पे हमेशा होगी और जो हमारी मशीन लर्निंग है ये ओवर द स्पेसिफिक टाइम किसी भी स्पेसिफिक टास्क को जो है उसकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज करती रहती है इसके लिए जो है हमें बार बार प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ती है यही पॉइंट जो है यहाँ पे मेंशन है विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम जो कि एक बहुत ही स्पेसिफिक कीवर्ड सेंटेंस है हमारी मशीन लर्निंग की डेफिनेशन का यहां से आप समझ सकते हैं कि हमें जो है अगर एक बार हमने कोई भी मशीन लर्निंग मॉडल डेवलप कर दिया तो वो जो है अपनी परफॉर्मेंस को अपनी एक्यूरेसी को जो है ऑटोमेटिकली ओवर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम स्पेसिफिक टास्क के लिए जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ करता रहेगा और जब वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर रहा है इसका सिंपल सा मीनिंग है कि यूजर को या फिर प्रोग्रामर को जो है बार बार उसकी एक्यूरेसी को इंक्रीज करने के लिए प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत नहीं है नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका द प्राइमरी गोल इज टू टीच कंप्यूटर अब मशीन लर्निंग ध्यान से समझिए इन की को मशीन लर्निंग मशीन को लर्न कराना है अब मशीन यहाँ पे क्या हो सकती है कंप्यूटर अब कोई भी जो भी हमारे डिजिटल डिवाइसेस हैं डिजिटल रोबोट्स हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उन सभी को जो है यहाँ पे कंप्यूटर्स के फॉर्म में जो है समराइज कर दिया गया है बिकॉज कहीं ना कहीं ये जितने भी थिंग्स जितने भी आइटम्स मैंने आपको अभी यहाँ पे काउंट कराए ये एट द एंड कंप्यूटर से ऑपरेट होते हैं तो प्राइमरी गोल है मशीन लर्निंग का कि हमें कंप्यूटर्स को सिखाना है अब मशीन लर्निंग करती क्या है ये बेसिकली आपके डेटा में से पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करती है अब ये डेटा क्या होता है अभी मैंने आपको बताया सेकंड पॉइंट के अंदर कि मशीन लर्निंग हमारा एल्गोरिदम्स और स्टेटिस्टिकल मॉडल्स को यूज़ करता है जो कि डेटा सेट पे काम करते हैं अब डेटा सेट के अंदर होता है हमारा डेटा अब उस डेटा के अंदर से जो है हमारी मशीन लर्निंग पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करती है और जब वो उन पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर लेती है तो उन पैटर्न के बेस पे जो है मशीन लर्निंग हमारी फ्यूचर प्रडिक्शंस करती है या फिर हम बोल सकते हैं हमें डिसीजन प्रोवाइड करती है और इन्हीं स्पेसिफिक की पॉइंट्स की हेल्प से जो है ये हमारी साइंटिफिक डेफिनेशन निकल के आती है मशीन लर्निंग की दैट इज मशीन लर्निंग इज अ फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग कंप्यूटर सिस्टम्स टू लर्न फ्रॉम डेटा एंड इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस ऑन अ स्पेसिफिक टास्क विदाउट बीइंग एक्सप्लीसिटली प्रोग्रामड द गोल ऑफ मशीन लर्निंग इज टू इनेबल कंप्यूटर्स टू रिकॉग्नाइज पैटर्न्स इन डेटा एंड मेक प्रडिक्शंस और डिसीजन बेस्ड ऑन दोज पैटर्नस ओवरऑल मशीन लर्निंग के बारे में अगर आपसे कभी भी कोई भी कुछ भी पूछता है तो आपको सिम्पली तीन चीज़ें बतानी हैं कि मशीन लर्निंग जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक सबसेट है जिसके अंदर हम मशीन को या फिर कंप्यूटर्स को ट्रेन करते हैं सिखाते हैं और वो जो है अपनी एक्यूरेसी ओवर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम ऑटोमेटिकली इंक्रीज करता रहता है विदाउट बींग एक्स टली प्रोग्रामड बाई प्रोग्रामर ये जो लास्ट लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मशीन लर्निंग के डेफिनेशन के अंदर बिकॉज इसके अंदर जो है प्रोग्रामर बार बार अपने मॉडल की एक्यूरेसी को इंक्रीज करने के लिए प्रोग्रामिंग नहीं करता है थैंक यू